टाइम हो रहा है 5:23 अप्रोक्स इंडियन, तो अभी इसमें 15 मिनट ऐड करने के बाद 5:38 हो रहा है नेपाली टाइम, क्योंकि 15 मिनट आगे चलता है। और रात को हम इस गेस्ट हाउस में रुके थे हिमालयन गेस्ट हाउस में, जो बस स्टैंड वाला चौक है इससे महेंद्र नगर की तरफ लगभग 200-300 मीटर आने के बाद आपको लेफ्ट हैंड पे पड़ेगा आप अगर पोखरा से आ रहे हैं तो। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम एट GTM स्टोरी। मैं हूं राहुल और मेरे साथ मेरी सिस्टर है माधवी, और हम लोग इस समय अपनी नेपाल राइड पर हैं। आज हमारा राइड का थर्ड डे है और फर्स्ट डे में हम रुके थे नानकमत्ता उत्तराखंड में, और सेकंड डे हमने बॉर्डर क्रॉस किया था और रुके थे कोहालपुर में। और सेकंड डे की वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन दी है कि आपको बॉर्डर कैसे क्रॉस करना है, कैसे अपने पेपर्स बनवाने हैं। तो अगर आप नेपाल राइड के लिए प्लान कर रहे हैं या ड्राइव के लिए प्लान कर रहे हैं तो प्लीज़ उस वीडियो को पूरा देखें। नेपाल आने के लिए स्पेशली अपनी गाड़ी से जितनी भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए उस वीडियो में सब अवेलेबल है, तो डोंट मिस दैट, लेट्स गो। नेपाल में घुसते ही आपको भारत और नेपाल के रिश्तों का एहसास होने लगेगा। इस हाईवे पर ने अभी तक जितने भी ब्रिज देखे हैं सब इंडिया और नेपाल के को वेंचर से बनाए गए हैं, और नेपाल इंडिया काफ़ी क्लोज हैं, नेपाल इंडिया पर काफ़ी डिपेंड करता है और इंडिया नेपाल की काफ़ी केयर भी करता है। कल कोहालपुर आते आते काफ़ी गर्मी हो गई थी, तो आज सुबह मैंने सिर्फ टैक्स सूट का अपर डाला है। सुबह ठंड थी और मुझे पता था कि मुझे 1-2 घंटे भी ठंड लगेगी। 7:30 हो चुका है, सूरज निकल आया है, पर अभी भी बहुत ठंड लग रही है, पूरी बॉडी शिवरिंग कर रही है। बट मैं अब रुक नहीं सकता, जैकेट निकाल के पहन नहीं सकता, क्योंकि हमें 400 किलोमीटर रन करना है। पहले 240 किलोमीटर बुटवल तक, और उसके बाद 160 किलोमीटर बुटवल से पोखरा, और स्टार्टिंग का सिद्ध बाबा पीठ, और 20-15 किलोमीटर का जो पैच है बुटवल से पोखरा की तरफ वो काफ़ी रफ है, टूटा फूटा है, तो उसमें टाइम लगेगा, तो मेरा रुकने का मन नहीं है। इस समय हम बांके नेशनल पार्क से क्रॉस हो रहे हैं। एकदम स्मूथ रोड है, स्ट्रेट रोड है, स्पीड अच्छी चल रही है, 60-80-90 तक आप राइड कर सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, और यहाँ पर बर्दिया नेशनल पार्क की तरह से स्पीड लिमिटेशंस भी नहीं है। बट हमेशा अपनी सुरक्षित गति सीमा में ही अपनी गाड़ी को चलाएं, बिकॉज आप किसी राइड और ड्राइव पर जाते हैं तो नेचर को एंजॉय करने जाते हैं, उसे फील करने जाते हैं, किसी फॉर्मूला वन रेस को जीतने नहीं जाते। तो हमेशा आराम से गाड़ी चलाएं, ये आप और आपके अपने और सामने वाले सभी के लिए सुरक्षित रहेगा। आगरा, लखनऊ, गोरखपुर से होते हुए सुनौली बॉर्डर से नेपाल में एंटर करने से अच्छा है कि आप उत्तराखंड से नेपाल में एंटर करें और इन तीनों नेशनल पार्क को क्रॉस करते हुए इस अनछुई प्राकृतिक सुंदरता का लुत्फ उठाएं। हालांकि रोड वन वे हैं बट ट्रैफिक ना के बराबर है, तो टू वे जैसा ही फील हो रहा है। रोड बहुत स्मूथ हैं, आप स्पीडली राइड भी कर सकते हैं, तो बेटर है कि आप यहाँ से आएँ। टाइम हो रहा है 8:30, होटल से निकले 3 घंटे हो चुके हैं, सुबह हमने चाय भी नहीं पी थी तो अभी काफ़ी भूख लग गई है, मन कर रहा है बस नाश्ता करने का। बर्दिया और शुक्ला में थोड़ी देर बाद लोकल विलेज वालों ने बाहर रोड पर अपना चाय स्नैक्स के लिए कुछ खोखे वगैरह लगा रखे थे, बट यहाँ अभी तक कुछ भी नहीं मिला है, तो नेक्स्ट जो अवेलेबिलिटी होगी हम लोग वहाँ रुकेंगे और अपना कुछ ब्रेकफास्ट करेंगे। 30-35 किलोमीटर हम राइड कर चुके हैं और सूरज दिखने लगा है, अभी भी काफ़ी ठंड है, और छोटी छोटी इस तरह की नदियाँ इस रास्ते पर आपको काफ़ी मिलेंगी, क्योंकि लेफ्ट हैंड पे आपके पूरी माउंटेन की सीरीज चल रही है। और अब हमें थोड़ा सा रेजिडेंशियल एरिया दिखने लगा है, तो शायद मे बी कुछ आगे टी स्नैक्स ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अरेंजमेंट मिल जाए। व्यूज़ बहुत औसम है, सुबह सुबह नेशनल पार्क में राइड करने का एक अपना अलग ही एक्सपीरियंस रहा है। एक सबसे इम्पोर्टेंट बात इस रूट के बारे में कि इस रूट पे आपको पेट्रोल पम्प थोड़े कम ही मिलते हैं। इन नेशनल पार्क्स के बिटवीन तो कोई पेट्रोल पम्प नहीं है, अगर एक छोटा मोटा है भी तो वहाँ पेट्रोल नहीं मिलता, डीजल अवेलेबल हो जाता है। हालांकि लूज़ पेट्रोल कहीं कहीं बीच में 1-2 लीटर वाली बोटल्स अवेलेबल होती हैं, और पेट्रोल पम्प सुबह यहाँ 6 बजे के बाद ही खुलते हैं और शाम को भी जल्दी बंद हो जाते हैं,
तो अगर आपकी गाड़ी पेट्रोल ज़्यादा कंज्यूम करती है और आपको डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पेट्रोल ज़्यादा चाहिए, तो अपने साथ कुछ एक्स्ट्रा स्टॉक करके रखें। जैसा कि स्कूटी में हमने एक्स्ट्रा पेट्रोल रखा है और फिलहाल इसकी दोनों बोतलें पीछे वाली खाली हैं। हमें पेट्रोल आगे अब लम्ही पे मिलेगा कोहालपुर में। सुबह हम 5:30-6 बजे निकले थे तो पेट्रोल खुले नहीं थे, बीच में एक आध पेट्रोल हम दिखा बट वहाँ पेट्रोल अवेलेबल नहीं था। अभी हम चब्बा गोरी पे हैं, एक ढाबा है मतलब इसका होटल टाइप से वहाँ के पे। लम्ही से लगभग 40 किलोमीटर बिफोर टूवर्ड्स महेंद्र नगर। ये पानी भर के टंगा हुआ है, शायद नज़र ना लगे या फिर मक्खी ना लगे, दो रीज़न दिए गए हैं। एक काउंटर है यहाँ से, आप ले सकते हैं कुछ भी पीने के लिए। कैसा खाना, कैसा रोटी? तो ठीक लग रही दिखने में। क्या है इसमें? सेम आलू और ये छोले मटर और अचार और ये इसमें दो रोटी और है ना। 100 रुपीज़ पर प्लेट नेपाली। अभी 2 बजने वाले हैं और 12 बजे हमने बुटवल क्रॉस किया था। तो बुटवल के बारे में एक अपडेट देना चाहूँगा कि आप अगर बुटवल में रुकना चाहते हैं तो जहाँ ब्रिज क्रॉस करते हैं और ट्रैफिक चौक पोखरा की साइड में ही होटल्स देखें, 500-1000 नेपाली में आपको ठीक ठाक होटल मिल जाता है। और अगर आप बस स्टैंड के पास जाएंगे या महेंद्रनगर चौक की तरफ को जाएंगे तो वहाँ होटल्स थोड़े से महंगे हैं। बस स्टैंड के पीछे भी होटल्स हैं और वो 1500-2500-3000 नेपाली तक जाते हैं। बुटवल से जब पोखरा की तरफ चलते हैं तो सिद्ध बाबा पीठ मंदिर पड़ता है और उसके आगे भी कुछ किलोमीटर्स तक, मतलब अप्रॉक्स 10-15 किलोमीटर आपको रोड्स काफ़ी टूटी फूटी मिलेगी। और माइनिंग का काम चल रहा है तो ट्रक्स मिट्टी और पत्थर ले जाते रहते हैं तो काफ़ी डस्ट उड़ती रहती है और उन्हें ओवरटेक करना भी बड़ा टैक्टफुल हो जाता है। तो इस बात को माइंड में रखें कि वो थोड़ा सा पजल्ड करने वाला एरिया है और बाकी का आगे रोड बहुत स्मूथ है, अच्छा है, ग्रीन है, आप देख ही रहे हैं। बाकी आगे कोई इशू नहीं है, सब कुछ एकदम फेयर है। लंच का टाइम हो चुका है, भूख भी लग रही है, पर हमने प्लान किया है कि तानसेन पे जाके लंच करेंगे। वहाँ एक अच्छा रेस्टोरेंट है जो मुझे पता है, तो तानसेन पहुँचते हैं अब, लेट्स गो। इस समय हम लोग तानसेन में हैं, ये तानसेन का बेंचर आया है और ये श्रेष्ठ रेस्टोरेंट है। लास्ट ईयर भी मैंने यही खाना खाया था, मतलब लंच किया था जब हम, ये आंटी जी हैं बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ये थाली आंटी की स्पेशल 150 नेपाली खाना, बहुत टेस्टी आंटी का। नॉन वेज 300 कोई खाना चाहे तो, हम तो वेज ही दे दिए ना। ये स्पेशल थाली है, खाना बहुत टेस्टी है। लास्ट ईयर का ही आता है। अभी 3 बज रहे हैं और तानसेन से लंच करके हम पोखरा के लिए निकल चुके हैं। पोखरा भी 120 किलोमीटर है और टाइम दिखा रहा है 4 घंटे अप्रॉक्स, तो अराउंड 7 or 8 हम लोग पोखरा पहुंच जाएंगे। लेक साइड पे होटल फुटपेकन है जिसमें हम लोगों को रुकना है। वहाँ का जो ओनर है उससे मेरी बातचीत है, फेसबुक पे मेरा फ्रेंड भी है, लास्ट टाइम हम गए थे तो काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन गई थी। सो हमारा रूम बुक है, मैंने उसे फ़ोन कर दिया है, तो अब जाके बस लगेज खोलना है और रूम में जाके सो जाना है। बहुत थक चुके हैं, 5:30 बजे चले थे, 7:30 बजे पहुँचेंगे तो 14 घंटे की राइड हो जाएगी, काफ़ी थक रहे हैं। तो आज पोखरा ही पहुँचना है बस, फिर कल लोकल पोखरा घूमेंगे, कुछ पेपर वर्क भी करवाएंगे। तो बाकी सब पोखरा का मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूँगा, आज सिर्फ पोखरा तक का ही वीडियो रहने वाला। अगर आप अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए हमारी आने वाली ट्रैवलिंग वीडियोस को देखने के लिए। थैंक यू सो मच।